सन प्लीज सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किए हैं तो बिल्कुल अनसुनी ना करें, क्योंकि इसमें हर तरह के वीडियो उपलब्ध हैं और घंटी दबाने ना भूलें। अगर भूल गए तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लास 10th 12th बीए बीएससी आईएससी न्यू कॉमेडी न्यूज हर तरह के वीडियो उपलब्ध हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल में मोस्ट डेंजर। अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर या झारखंड टॉपर करना है तो आ रहा है गणित का सबसे खतरनाक वीडियो, तो शुरू से अंत तक जरूर। तो चलिए बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बहुत आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कारण क्या होगा कि इस वर्ष जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था तो पैटर्न चेंज हुआ हो गया था। तो पैटर्न जो चेंज हुआ था तो एक नंबर से लेके 30 नंबर में, पहले सबको पता था कि 30 नंबर में इतना पॉइंट इतना से आ जाते थे, 14 नंबर में इतना से आ जाते थे। लेकिन अब अभी क्या है, थोड़ा सा कुछ कुछ पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो पैटर्न को जो चेंज किया गया है उसी को ध्यान में रखकर नया पैटर्न लेकर आया हूँ। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह को नहीं आएंगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से लिख ले, ताकि आने वाले परीक्षा में जो 2020 में जो पूछा जाएगा उसके लिए आप पूरी तरह से आसान हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और एक बार ध्यान से सुनिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके बाद लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलेगी और लगभग जितना करीब 5 लाख 10 लाख जो विद्यार्थी होगा मैट्रिक में जो एग्ज़ाम देने वाला होगा उसको भी पता चल जाएगा कि अब नया पैटर्न किस प्रकार आया है। तो चलिए बात करते हैं, गणित का लेकर आया हूँ। अगर आपको और भी किसी भी विषय का क्वेश्चन चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। पिछले साल जो आया था क्वेश्चन हम लिख लिए थे, उसी को हम YouTube के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है गणित का, एक नंबर में आएंगे। आपको पता होगा 120 को अविभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना पहला नंबर में आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में आएगा, आपको पता होगा पी एक्स का शून्यांक, जो पहले आया था। ठीक है, पिछले साल पूछा गया है क्वेश्चन। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें। ये वीडियो को ही सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है, जाँच कीजिए ये होगा द्विघात समीकरण है क्या नहीं, आप लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम है तो सारा के सारा क्वेश्चन आप मोबाइल के माध्यम से आप पूरी तरह से लिख लें, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना होगी। तो मान लीजिए साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। और एक बात ध्यान से सुने, अगर इतना का जितना भी हम क्वेश्चन लिखे हैं ये सब का अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सारा का हमें आंसर चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इम्पोर्टेंट चाहिए कि इसके अलावा ये तो हूबहू आएंगे नहीं, इसके अलावा अगर मैथ में 80 में 80 मार्क्स लाना चाहते हैं तो सजेशन चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कर दें। पूरा शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं। पहला है, पहला तो हम बता दिए। पाँच नंबर में आएंगे समांतर, समांतर श्रेणी इतना के लिए सर्वांतर ज्ञात करें और त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सात नंबर में यानी 1 से 10 तक आपको अथवा नहीं मिलेंगे जहाँ तक है, आर त्रिज्या वाले। सात नंबर में होगा क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु क्या होगा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, घटना ई और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होगा। चलिए 10 नंबर में है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। 11 नंबर में पहले नहीं पूछते थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में पहले पूछते थे सुनिया कि दूसरा चीज़ पूछ देते थे। ठीक है, 11 2.2 से पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाते हैं 1.2 से। तो इसी को ध्यान में रखकर अभी भी बहुत सारा टीचर गलत सजेशन दे रहे हैं कि 11 में 2.2 से आएगा, पहले वाला जो पता है कि इसी तरह के आएंगे। तो गलत टीचर के फेरा में मत पड़ें, तो ध्यान दें। हकीकत जो है जिस प्रकार के आएंगे उसी को ध्यान में रखकर पढ़ें। 12 नंबर में अब आते हैं 2.2 से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल 1.1 हो।
13 नंबर में आएंगे, ये पहले पूछे जाते थे 14 में, आप पूछे जा रहे हैं 13 में, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि कौन क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूछे जाते थे 14 नंबर के 12 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते थे पहले 25 में, आप पूछे जा 24 में पूछे जा रहे थे, आप पूछे जा रहे हैं 15 नंबर में। इसलिए इसे हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारा विद्यार्थी को अभी पता नहीं है, पहले वाला नियम से पढ़ रहे हैं। इसलिए 17 नंबर में जो पहले था वही 3.6 का होगा, ये होगा ग्राफ। ग्राफ आप हल करना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, तो बता दीजिएगा जो जिसका नहीं होगा सिद्ध कीजिए। ये है पहले जो पूछा जाता था 8.4 से, 8.4 के 5 नंबर का पाँचवा हिसाब है, ठीक है, इसे सिद्ध कीजिए। प्रूव्ड है, LHS से प्रूव्ड करें या RHS से, तो हम यूट्यूब में दोनों तरफ से प्रूव्ड कर दिए, आपको जिसको भी पता होगा यहाँ पर दिया होगा सारा क्वेश्चन लगभग यूट्यूब में बताया गया है, तो एक और से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 21 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, पूछे जाते थे 7.1 का क्वेश्चन पूछे जाते थे 13 नंबर में, लेकिन अब पूछे जाते हैं 21 नंबर में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर में ये सही पूछे जाते थे, पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन इसमें आपको अथवा नहीं मिलता था, अब इसके लिए 7.3 का जो पूछे जाते थे 22 में, वही अब किस में पूछे जा रहे हैं, 22 में ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन 21 नंबर का 22 नंबर में पूछे जा रहे हैं, ये सबको ध्यान दीजिएगा। पहले वाला पैटर्न नहीं है, 23 नंबर में 11.1 से पूछे जाते हैं, जो बहुत सारा टीचर नहीं बताते हैं इसको बताते हैं, कारण है क्या, ये भी हर वर्ष पूछे जाते हैं। अभी भी बहुत ऐसा स्कूल होगा जो आपको 11.1 भी हिसाब नहीं बताता होगा, आज नहीं पिछले 10 साल से कभी नहीं बताया होगा। तो चलिए, हो सकता है पता नहीं जाने या नहीं जाने, हम ये बात नहीं बोलते हैं कि नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन आप खुद पता कर लिए होंगे कि अगर इतना साल से नहीं बताते हैं और हर साल आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। तो 24 नंबर में ये आएंगे प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटी आते थे पहले 15 नंबर में पूछे जाते थे, अब इसे 3 अंक के लिए कर दिए गए हैं, जिसको प्रायिकता बोला जाता है, ये 15.1 में मिल जाएगा। 25 नंबर में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह है 12 पॉइंट किसका होगा, आपको पता होगा 12.2 का है, और इसमें भी एक अथवा पूछे जाएंगे, ठीक है, 12.3 का है, अगर ये नहीं सकिएगा तो इसको बना दीजिएगा। इसमें चित्र भी है, चित्र मैं नहीं बनाया हूँ, आप जाकर हम बता देते हैं, प्रश्नावली 12.3 में आपको मिल जाएगा। ये सब जो है पिछले साल जो आया था वही सब क्वेश्चन है, ये आपको 26 नंबर आसानी से पढ़ लीजिएगा। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है, बहुत सारा टीचर कोमा कुछ भी दे देते हैं, नहीं कोमा होगा, नहीं पता है तो डायरेक्ट एक्स से बना सकते हैं। तीसरा है, अगर इसको नहीं सकिएगा बनाने तो ये 3 वर्ष बाद मुस्कान की आयु, ये आयु वाला है, ये भी मिल जाएगा आपको, 3 अध्याय में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद होगा पिछले साल पूछा गया था एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये होगा 9.1 का है, जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, ठीक है। इसके बाद है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने, वो भी है उसी का, यानी दोनों जो है प्रश्न 9.1 में मिल जाएंगे, उसमें नहीं जाना है, मतलब उदाहरण में नहीं जाना, उदाहरण का नहीं पूछा है। इस वर्ष पूछा गया सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, यानी ये प्रमेय हो गया आपका 6.8 प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय आप निकाल के देख सकिएगा, अगर आपको प्रमेय नहीं पता है तो थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पहले पूछे जाते थे, ये बात ध्यान दीजिएगा, पहले 29 नंबर में आपको अथवा नहीं मिलते थे, लेकिन अब अथवा मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखकर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक, ये हो गया आपको 13.2 में शायद है, 2 या 1 में होगा, ठीक है, शायद 1 में है, ठीक है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला पहले नहीं पूछे जाते थे, अब इसके बदले में इसका अथवा में पूछे जाते हैं, ये तो हर वर्ष ये तो पूछे जाते थे, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर है एक शंकु के छिन्ना का 45, ये है उदाहरण का, क्वेश्चन नंबर 12 में होगा, 13.4 का होगा, ठीक है, शायद हमको पता है पूरी तरह से। उसके बाद 30 नंबर में भी आपको ऑफर की तरह मिल रहे हैं, 30 नंबर में पूछे जा रहे हैं निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको माध्य ज्ञात करना है, अगर माध्य नहीं सकेगा तो और में दिया हुआ है, अथवा में निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें, आपको किताब में मिलेगा माध्यक, तो घबराइएगा नहीं कि माध्यक और माध्यिका एक ही होता है, हर्षिकार लगा दिया तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर लगा दिया है निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें, इसको आप पूरी तरह से बना दीजिएगा। तो यहाँ जहाँ से क्वेश्चन है 1 से लेके आपको 30 तक पूरी तरह से आप नहीं हो रहा है तो हम रोक देते हैं इसको, ठीक है, आप पूरी तरह से पहले उतार लीजिए और अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी करने की कोशिश करें, ताकि मैट्रिक में मैथ में कम से कम 100 में 100 ला सके। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज तक शायद लगभग 90% विद्यार्थी 90 पार कर ही देते हैं,
मतलब एक दो कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा कम लाते हैं, लगभग विद्यार्थी 90 पार कर देते हैं। 100 तो 100 नंबर भी कई बार लाए हैं, कितने स्टूडेंट लाए हैं, 5 गो 10 गो लाते हैं, हर स्टूडेंट एक ही तरह के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 21 से लेकर आपको 29 तक आपको लिखना है, तो पूरी अच्छी तरह से लिख लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी किसी भी विद्यार्थी की लाइफ की बात होती है, वो भी गलत टीचर अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो उसे समझाएगा, किसी को गलत ना बोले कोई भी टीचर को, सिर्फ उसको समझा दीजिए कि ये इतना नंबर का क्वेश्चन इतना नंबर में पूछे जाते हैं, गलत मत।